दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। ठंड बढ़ गई है। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हुई थी। आईएमडी के मुताबिक रविवार को दिल्ली का न्यूनतम पारा 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि आज से 29 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में कहीं हल्की बारिश तो कहीं गरज के साथ बारिश होगी। इसके बाद मौसम साफ होगा, लेकिन लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर को अगले कुछ दिन हल्की बारिश का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस दौरान न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक जा सकता है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ शीतलहर चलने के आसार है। बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाके में पिछले 3 दिन से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वहीं इस समय पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों और खासकर उत्तर भारत में दिख रहा है। इसी बीच पश्चिमी विक्षोभ की वजह से रविवार को दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा और यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हुई। दिल्ली में EQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। CPCB के माने तो शाम 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी का EQI 460 था, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद का EQI 455 और गुरुग्राम में 378, वहीं यूपी के नोएडा में EQI 438, गाजियाबाद में 430 और ग्रेटर नोएडा में 428 दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।